International Watches Collection by Minutes to Style, Martindale Bridge, Ajmer. Nilos, Unisex Salon and Academy, Opposite Badar Vidyalay, Vishali Nagar, Ajmer. Sir, Pratham, aapke channel ko aaj ke din ki ded sari shubhkamnaye, aur na keval aapko, varan Ajmer shahar ke samast nagrikon ko 25 December ki ded sari shubhkamnaye. Hum 25 December ek vishesh tarike se banate hain, kyunki is din hamare udhaarkarta Prabhu Yeshu Masih ka janam hua tha. और इसी खुशी को हम हर्ष और उल्लास से बनाते हैं. और प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आए कि वे अपने प्रेम को बांटने वाले हो सकें, क्षमा को बांटने वाले हो सकें. और उनका यही मोटिव था कि हम भाई लोग आपस में मिले रहें, संगति करें, आपसी प्रेम और मोहब्बत में हम आगे बढ़ने वाले हो सकें. और अभी कुछ देर पहले ही ये प्रवचन में बताया गया था, और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हम सब मिल रहे हैं और एक दूसरे को क्रिसमस की ग्रीटिंग्स हम दे रहे हैं. मेरा नाम रेवरेंड दीपक बैरिस्टो है. रॉबसन मेमोरियल कैथेड्रल का मैं एसोसिएट पास्टर हूँ. टुडे वी ऑल आर गैदर्ड हियर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, एंड आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है और हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं. अभी हम लोगों का चर्च अटेंड पूरा चर्च सर्विस हुआ है. अब इसके बाद हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को विशेस देंगे. और जो हमारा ये फेस्टिवल है ये पूरी वीक चलता है, 25th टू 1st ऑफ जैन तक हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं. और एक क्रिश्चियनिटी के अंदर ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है, और ये सिर्फ क्रिश्चियन ही समाज नहीं, आजकल इतना ट्रेंडिंग है कि इसे हर कोई सेलिब्रेट करता है. हर स्कूल्स के अंदर क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है. और जो यीशु मसीह जो आए थे वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए आए थे. तो मेरे और मेरे परिवार की तरफ से और पूरे क्रिश्चियन समाज की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बड़ा दिन मुबारक हो, एंड वी विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड ग्रेट लाइफ अहेड. थैंक यू सो मच. मैरी क्रिसमस टू एवरीवन. सबसे पहले तो हम लोग मॉर्निंग में चर्च आते हैं और सबसे खुदावन की प्रेयर करते हैं. उसके बाद में सबसे मिलना होता है सारे रिलेटिव से. उसके बाद में हम लोग अपने रिलेटिव के घर जाके मैरी क्रिसमस करके उनको आने वाले न्यू ईयर की शुभकामनाएं देते हैं. और उसके बाद भी हम अपने बड़े बुजुर्ग के लिए कब्रिस्तान पर जाके उनको फूलमाला भी चढ़ाते हैं. और पूरा दिन हमारा सेलिब्रेशन रहता है. और क्रिसमस का दिन ही ऐसा है कि क्रिसमस से फंक्शन स्टार्ट होते हैं टिल न्यू ईयर तक हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं. और आप लोग तो सभी को मैरी क्रिसमस एंड आपको बहुत 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 शुभकामनाएँ. प्रीति चार्ल्स, मैरी क्रिसमस टू ऑल. क्रिसमस हम जीजस के उपलक्ष में, जन्मदिन के उपलक्ष में मनाते हैं. 25 दिसंबर को रात को 12 बजे जीजस का जन्म हुआ था, और इस खुशी में हम लोग चर्च आते हैं, सबसे मिलते हैं, केक काटते हैं, खाते हैं, और मिठाइयाँ बनती है, पकवान बनते हैं, और एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं. हैप्पी मैरी क्रिसमस. थैंक यू. ज्योति, क्रिसमस हम, पहले तो मैं सबको क्रिसमस की बधाई देना चाहूँगी. क्रिसमस मसीह यीशु के जन्मदिन का महाउत्सव है, और वो इस दुनिया में आए ताकि हम सब बचाए जाएं और सबको नया जीवन मिल सके. और क्रिसमस हम इसलिए मनाते हैं कि हम एक दूसरे को बधाई दें, विशेस दें, केक खाएं और बहुत खुश रहें हम. थैंक यू. आपका नाम? मेरा नाम एलिस है. सबको मेरी क्रिसमस. जैसे कि आप देख रहे हैं आज 25 दिसंबर है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन है, आज वो पैदा हुए थे, और ये खुशी हम सबके संग बांट रहे हैं एक त्यौहार के रूप में. और यही नहीं, हम यहाँ पे क्रिसमस की सेलिब्रेशन के टाइम पे चर्च में सबसे पहले आते हैं, प्रेयर सर्विस करते हैं, फिर केक शेयर करते हैं, और बच्चों को बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं. और प्रभु यीशु मसीह जैसे आए थे, उनका ये मैसेज था कि सब में प्रेम बांटो और दान करो और दीन रहो और नम्र रहो. और यही हमारा मैसेज है आज के पूरे विश्व के लिए, जहाँ बहुत कुछ हो रहा है गलत, पर हम चाहते हैं कि इस क्रिसमस के त्यौहार से हम एक मैसेज पहुँचाएँ जो यीशु मसीह देना चाहते थे, कि प्रेम और मतलब दान दें इस क्रिसमस पे. थैंक यू. मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका है. आज का दिन हम क्रिसमस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और इस दिन की शुरुआत हम सबसे पहले परमेश्वर की आराधना करके करते हैं. और जब हम परमेश्वर की आराधना के साथ, और क्रिसमस जैसा हम सब जानते हैं कि ये प्रेम का संदेश देता है, इस दिन प्रभु यीशु मसीह इंसान के रूप में इस पृथ्वी पर आए और हम सबके पापों को हटाने के लिए उद्धारक बने. और उद्धारक देने के साथ उन्होंने प्रेम के साथ हमारे लिए हमारे साथ अपना जीवन बिताया और हमें पापों से मुक्ति दिलाई. और मोस्टली हम सब
हमारे बीच में उस प्रेम को बांटा जो कोई मनुष्य नहीं देता, सिर्फ ईश्वर की ओर से होता है। और जब ये परमेश्वर हमें देते हैं तो वो शांति हमें देते हैं जो किसी परिस्थिति से हमें नहीं मिलती। इसीलिए हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और केक एक दूसरे के साथ बांट कर खाते हैं, ताकि ये प्रेम एक दूसरे के साथ, इस केक की मिठास के साथ एक दूसरे तक पहुँचे। थैंक यू। रेखा आशीष को पहले, सबसे पहले तो सभी को मैरी क्रिसमस। और ये 25 तारीख जो है ये एक पूरे मनुष्य जाति के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है, 25 दिसंबर, क्योंकि इस दिन यीशु मसीह ने जन्म लिया था और उनका जो मेन उद्देश्य था इस दुनिया में आने का, सभी के पापों के लिए सूली पर चढ़ जाना, ताकि हम लोगों को हमारे पापों से छुटकारा मिले और हम लोग एक मनुष्य जाति में जो हम लोग हम उद्धार पा सकें और अनंत जीवन हम लोग जी सकें। और यही वचन हम लोग सभी को फैला देते हैं क्रिसमस के दिन भी, और खुशियाँ मनाते हैं सबके साथ मिलके, केक काटते हैं, और यही आज चर्च में भी सबको बताया गया और पूरे मनुष्य जाति के लिए सभी को हमने खुशियाँ बांटी। अनोज कुमार। 25 दिसंबर के इस अवसर पर मैं सभी अजमेर वासियों को क्रिसमस की बधाई देता हूँ, और ये खुशी जो है वो सभी को और सभी लोगों के साथ मिलकर बांटने के लिए है। हैप्पी क्रिसमस टू ऑल। आज क्रिसमस है और ये सबसे बड़ा त्यौहार हम सभी ख्रिस्ती भाई बहनों के लिए, ईसाइयों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। इस दिन की ईसा मसीह का जन्मदिवस हम लोग मनाते हैं। आज के दिन अलग अलग चर्चेस के अंदर पूजा पाठ हुई है, सभी लोगों ने प्रार्थना पूजा की है। रात्रि में भी जागरण हुआ था, जिसमें कि विशु पायस ने अपने प्रवचन में यही कहा कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, जो स्थिति इस देश की है, कि हमारी प्रार्थना के द्वारा हमारे देश के अंदर अमन शांति प्रेम हो। और ख्रिस्ती भाई बहनों के लिए हम लोग जब ये शुरुआत करते हैं तो हमें कम से कम 4 हफ्ते मिलते हैं, जिसके अंदर हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं आध्यात्मिक रूप से, प्रार्थनाओं के द्वारा, पाप स्वीकार के द्वारा। और ये सभी गतिविधियाँ चर्च के अंदर होती रहती हैं, 3 दिनों के अंदर एक तरह से तैयारी है क्रिसमस की बड़े, और लंबा समय मिलता है क्योंकि बड़ा त्यौहार है तो लंबा समय की तैयारी होती है। गौशाले बनाए जाते हैं, गौशाला प्रतीक है कि ईसा मसीह का जन्म एक छोटे से गौशाले के अंदर हुआ। राजा होते हुए भी उन्होंने इंसान बनना पसंद किया, मानव बनना पसंद किया, ताकि वो ईश्वर लोगों के साथ रह सके, उनकी मुसीबतों को और उनकी कमजोरियों को समझ सके। और इसी त्यौहार को हम जब मनाते हैं तो ईसा मसीह प्रेम, शांति और आनंद का संदेश सभी को देते हैं। वही हम भी चाहेंगे हमारे देश में भी प्रेम, शांति, अमन हो, ताकि हम सभी प्रेम से रह सकें। क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जब हम सारी दुनिया हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, और ये क्रिसमस त्यौहार के समय हम सबके याद दिलाते हैं कि प्रभु यीशु ईश्वर होते हुए भी एक साधारण व्यक्ति के रूप में जन्म लिया, हमारे बीच में जन्म लिया और हम सबों को मुक्ति दिलाने के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया। और अगर चाहे तो प्रभु एक राजमहल में पैदा हो सकते थे, फिर भी वो चाह साधारण लोगों के साथ रहें और उनके दुख तकलीफों को अपने ऊपर उठाएं। और क्रिसमस हमें ये संदेश देते हैं, और हमें भी प्रभु ने, ईश्वर ने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया, हमें भी दूसरों के साथ अपने आप को समर्पित करना, भलाई के लिए, समाज के भलाई के लिए और लोगों की भलाई के लिए काम करना है। ये क्रिसमस त्यौहार हमें सिखाते हैं और ये हमारा आपको संदेश देना चाहते हैं अजमेर की जनता। मैं अजमेर देशवासियों से ये कहूँगा कि प्रभु यीशु जो गौशाला में जो पैदा हुआ, प्रभु यीशु आप सबों को आशीष दे, आपका परिवार को, आप सारे व्यक्तियों को, सबको, समाज को, आपका सारे खुशियाँ आपको दे और भरपूर शांति प्रदान करें।